अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूं शेख फरदीन, आप देख रहे हैं फरदीन डिज़ाइनर। जो थंबनेल में आपने डिज़ाइन देखा है वही डिज़ाइन हम करने जा रहे हैं। उसके लिए पिक्सल लैब की ज़रूरत पड़ेगी। पिक्सल लैब में ओपन कर लेंगे और इस तरह का इंटरफेस होगा। तो ए में आएंगे, एडिट में आएंगे और यहाँ से नेम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? समीन। और यहाँ से क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। इस तरह से ओके कर लेते हैं, ठीक है। इसका साइज़ भी इंक्रीज कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ए बी फॉन्ट में आएंगे, उसके बाद माई फॉन्ट में आएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक फॉन्ट है स्ट्रॉबेरी, ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इसकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, ठीक है। हमने इसकी स्पेसिंग बढ़ा दी और इसको साइज़ यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं जी। तो ये हमने स्पेसिंग इसकी बढ़ा दी और इस तरह से हमने इसको ये कर लिया। उसके बाद हम ओके कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपेरेंट में आएंगे, मेमोरी में आएंगे, सेव एज इमेज पे आएंगे, डिफ़ॉल्ट पे आएंगे, अल्ट्रा पे रख के सेव टू गैलरी कर देते हैं। अब स्विच करते हैं हम पेज टच एप्लीकेशन की तरफ। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जी नाज़रीन, देख सकते हैं पेज टच में आ चुके हैं, बैकग्राउंड भी इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद हम नेम इंपोर्ट करेंगे। नेम इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आएंगे, प्लस के आइकन पे आएंगे, फोटो लेयर पे, फोटो लाइब्रेरी पे आ जाएंगे और यहाँ से बैक हो जाएंगे। उसके बाद फोल्डर ढूंढ लेंगे पिक्सल लैब का, क्योंकि हमने नेम जो एडिट किया वो पिक्सल लैब से किया, तो पिक्सल लैब का फोल्डर यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ओके कर देंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे वो नेम मिल जाएगा, समीन मिल गया। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हम इसको ना आज अलग डिज़ाइन से हम इसको करने वाले हैं। अब एक ही लेयर पे काम करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट्स में आएंगे, बेबल में आ जाते हैं। बेबल में आने के बाद हम सेम सेटिंग रखेंगे, बस यहाँ से हम ये वाला 180 कर देते हैं, ओके कर देंगे। फिर इफेक्ट्स में आएंगे, बेबल में आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आने के बाद 45 कर लेते हैं। फिर इफेक्ट्स में आएंगे, बेबल में आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम 135 कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से ये हमारा बनके तैयार है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, यहाँ पे आएंगे, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से आएंगे और इसको मर्ज डाउन कर देते हैं। फिर प्लस के आइकन पे डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, ओवरले कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, कोई सा भी कलर हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। ये वाला कलर अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको भी मर्ज डाउन कर देंगे। अब इसके बाद ना हम फिर बेवल लेंगे, बेवल अब यहाँ से जो लेंगे 25 लेंगे, डिस्टेंस यहाँ से 20, उसके बाद यहाँ से जो लेंगे हम 180 ले लेते हैं फिक्स में, बेवल में, उसके बाद यहाँ से हम 45, उसके बाद फिक्स में, बेवल में, उसके बाद यहाँ पे आके हम 135। उसके बाद टू लाइन में आएंगे, कर्व में आ जाते हैं, कर्व कुछ इस तरह का हम ले लेते हैं, ठीक है, और ओके कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं, यहाँ पे आएंगे, नॉर्मल पे क्लिक करके ओवरले कर देते हैं। अब इसके बाद इफेक्ट्स में आके इसको एक कलर अच्छा सा दे देते हैं। कलर कौन सा देंगे, ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है, ये वाला कलर दे दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ से मर्ज डाउन कर देते हैं, ठीक है। मर्ज डाउन करने के बाद यहीं पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सिलेक्ट पिक्सल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, प्लस के आइकन पे फोटो एम्प्टी लेयर पे आएंगे, उसके बाद एंड पे आएंगे, फिलहाल स्ट्रोक पे आ जाते हैं, टाइप में आके स्ट्रोक दे देते हैं। स्ट्रोक जो देंगे हम यही वाला देंगे हम, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, यहाँ से 6 कर देते हैं, ठीक है, ओके कर देंगे। यहाँ से आएंगे और डिसलेक्ट कर देते हैं। डिसलेक्ट करने के बाद इफेक्ट्स में आएंगे, बेवल में आ जाते हैं, बेवल हम यहाँ से 5 देते हैं, ब्लर डिस्टेंस देते हैं 5। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और 180 लेते हैं फर्स्ट, सेकंड लेंगे, सेकंड लेते हैं 45, थर्ड लेंगे 135। देखिए कुछ इस तरह से ये बन गया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और ये वाला हम कुछ सिल्वर कलर का ले लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा भाई,
जी कुछ इस तरह का हम ले लेते हैं, ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एफेक्ट्स में आएंगे, फोटो में आएंगे और सॉफ्ट स्किन अप्लाई कर देते हैं, इसको फुल कर देंगे, थ्रेशोल्ड और इंटेंसिटी भी फुल कर देते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर एक मरतबा ले लेते हैं, ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और बेसिक में आके इसमें भी कलर अप्लाई कर देते हैं। कलर कौन सा लेंगे, यहाँ पे कुछ डिफरेंस कलर लेंगे, कुछ ये वाला कलर हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। देखिए ये कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है। अब यहीं तक हमारा काम मुकम्मल नहीं है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ना इसको लॉक कर देंगे। अब इस पर सेलेक्ट रहने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले प्लस आइकन कर, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ से डुप्लीकेट लेयर लेके यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम टाइप में आके फिल कर देते हैं, फिल करने के बाद ओके कर देंगे और ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ से इसको लॉक कर देंगे और इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, इस पर सेलेक्ट रहेंगे, यहाँ पे आएंगे, फ़ोटो लेयर, फ़ोटो लाइब्रेरी पे आ जाते हैं। अब यहाँ से हम एक PNG इम्पोर्ट करने वाले हैं जी, देख सकते हैं हम PNG यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिए, ओके कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहीं पे सेलेक्ट रहने देंगे, तो इसको जूम कर लेते हैं और क्या करेंगे, यहीं पे सेलेक्ट रहेंगे और यहाँ से हम पूरा यहाँ पे इसको ये करते हैं और ब्लैक कलर को ये कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और कट कर देते हैं, कट करने के बाद कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ से डिसलेक्ट कर देते हैं, डिसलेक्ट करने के बाद फिर यहीं पे आएंगे और ये ब्लैक कलर को हम ये कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, फिल एंड स्ट्रोक पे आ जाते हैं, इसको कलर कुछ इस तरह का दे देते हैं, ठीक है, वाइट कलर देते हैं और उसके बाद यहाँ से हम डिसलेक्ट कर देंगे। ठीक है, डिसलेक्ट करने के बाद इफेक्ट्स में आएंगे, बेवल में आते हैं, बेवल हम इसमें 3 दे देते हैं और डिस्टेंस यहाँ से 2 देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और 180 इफेक्ट्स, 45 इफेक्ट्स बेवल और उसके बाद यहाँ पे 135। सो टू लाइन में आएंगे, कर्व ले लेते हैं, ये वाला कर्व कुछ इस तरह का है। उसके बाद फिर एक मरतबा टू लाइन में आएंगे, कर्व ले लेते हैं, एक ही मरतबा काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, फोटो में आएंगे और सनी आफ्टरनून इस पर अप्लाई कर देते हैं, सनी आफ्टरनून कुछ इस तरह का छोटा ले लेते हैं, ये इसकी परसेंटेज हम 40 कर देते हैं, ओके कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इस तरह से इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, जी बस है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, फिर कॉपी, फिर पेस्ट, उसके बाद फिर इसके ऊपर, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर पेस्ट, फिर इसके ऊपर थोड़ा इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर पेस्ट जी, फिर पेस्ट यहाँ से, फिर पेस्ट जी, ये पेस्ट हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सबको एक मर्ज डाउन कर देते हैं, एक लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमने PNG भी यूज़ की। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट पिक्सल करते हैं, सेलेक्ट पिक्सल करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये नज़र आने लगा है, ठीक है, ये भी ज़बरदस्त बना, लाजवाब है, ठीक है। अब इसको भी पहले इसको भी इसको ना हमें यहाँ से सेव कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, ये एक डिज़ाइन बन गया इसी में। उसके बाद हम इसी में दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे जो मैं बनाना चाह रहा था। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से ये करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं, ये डिज़ाइन बनाना चाह रहा था, ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम सब हो गया, उसके बाद इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स में आएंगे, बेसिक में आके ड्रॉप शैडो देते हैं, ओके कर देंगे। सो यहाँ पे आएंगे, सेव कॉपी करेंगे,
उसके बाद यहाँ पे आएंगे, सेव टू गैलरी कर देते हैं, इसको क्लिक करके। यही वीडियो था आपके लिए, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए।